कहानी लालच का फल। एक गांव में एक गरीब किसान रहता था। उसके साथ उसकी पत्नी भी रहती थी। किसान तो बहुत ईमानदार था, परंतु उसकी पत्नी बहुत ही लालची स्वभाव की औरत थी, जिसके कारण वो अपने पति को हमेशा ताने मारती रहती कि जाओ कुछ कमा के लाओ। वो किसान रोज़ रोज़ अपनी पत्नी के तानों से बहुत ही परेशान हो गया। वह दिन भर अपने खेतों में मेहनत करता और उसकी पत्नी सोचती कि हम एक ही झटके में अमीर हो जाएं, मुझे सारी दुनिया की खुशी मिल जाए। किसान बार बार अपनी पत्नी को यही समझाता कि हमें मेहनत करने के बाद खुशी मिलेगी, उससे अच्छी खुशी कुछ भी नहीं होती। लेकिन उसकी पत्नी लालची स्वभाव के कारण यह बातें समझ में नहीं आती। वो किसान अपनी पत्नी के तानों से बड़े परेशान रहता। एक दिन किसान जंगल में लकड़ी काटने गया और उस दिन बहुत तेज़ धूप थी। किसान धूप और गर्मी के कारण जल्दी थक गया और वह आराम करने के लिए एक पेड़ के नीचे बैठ गया और अपनी पत्नी के बारे में सोचने लगा। इतने में एक साधु जंगल से गुजर रहा था। उन्होंने उस किसान को देखा और समझ गया कि किसान जरूर किसी बात से परेशान है। वो उसके पास गया और उन्होंने उस किसान से परेशानी का कारण पूछा। किसान ने उस साधु को प्रणाम किया और बोला कि मैं परेशान नहीं हूँ, थोड़ा थक गया हूँ, इसलिए चेहरे पर थोड़ी चिंता जैसी भावना दिख रही है। लेकिन साधु ने कहा, नहीं, तुम जरूर किसी वजह से परेशान हो, इसलिए हमें बताओ, शायद मैं तुम्हारी कोई मदद कर सकूं। पहले तो किसान ने मना किया कि ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन साधु के बार बार कहने पर किसान अपने घर और पत्नी की स्थिति के बारे में सब कुछ बताने लगा। तो साधु ने कहा, बस इतनी सी बात, तुम गरीब हो इसलिए यह समस्या तुम्हारे साथ है। मैं तुम्हें एक ऐसी थाली दे रहा हूँ जिसमें अगर रात को थाली में कुछ भी मांग कर थाली को ढक कर सो जाओगे, सुबह मांगी हुई चीज़ ज़रूर मिलेगी। लेकिन तुम्हें इस बात का ध्यान रखना होगा कि एक रात में एक ही चीज़ मांगना। यदि एक ही रात में एक से ज़्यादा चीज़ें इस थाली से मांगोगे तो अगले दिन इस थाली के द्वारा दी गई सारी चीज़ें गायब हो जाएगी और यह थाली भी गायब हो जाएगी। साधु की बात सुनकर किसान बहुत खुश हुआ और मन ही मन सोचने लगा कि सब चीज़ें धीरे धीरे बदल जाएगी, हम गरीब से अमीर हो जाएंगे और हमारी पत्नी भी खुश रहेगी। ऐसा सोचकर किसान ने उस साधु महाराज को धन्यवाद दिया और फिर हंसी खुशी अपने घर लौट आया। उस थाली के बारे में अपनी पत्नी को बताया। पहले उसकी पत्नी को विश्वास नहीं हुआ, लेकिन किसान के समझाने पर वो मान गई। वे दोनों रात होने का इंतजार करने लगी। जब रात हुई तो किसान और उसकी पत्नी ने थाली से सोने के सिक्के मांगकर उसे ढककर सो गए। जब अगले दिन सुबह उठे तो देखा कि उस थाली में सोने के सिक्के भरे हुए थे। अब किसान और उसकी पत्नी की खुशी का ठिकाना ना रहा, क्योंकि साधु महाराज की बात सच हो गई। अब तो किसान की पत्नी के इतने सारे सोने के सिक्के देकर उसके मन में और ज़्यादा लालच आ गया। फिर एक रात उसने अपने महल, फिर दासी, फिर नौकर चाकर सब कुछ एक एक करके मांग लिया। अगले दिन उसे मनचाही चीज़ मिल जाती। अब तो किसान की पत्नी गरीब से अमीर हो चुकी थी, उसकी खुशी का ठिकाना भी नहीं रहा। लेकिन उसके मन में लालच दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा था। लेकिन किसान उसे बहुत समझाता कि इतना सुख हमारे लिए बहुत है, लेकिन वह कहाँ मानने वाली थी। इस बीच किसान एक दिन जरूरी काम से कहीं बाहर गया हुआ था और रात को घर वापस नहीं आ पाया। किसान की पत्नी ने उस रात थाली से एक साथ ढेर सारी चीज़ें मांग ली। फिर क्या था, अगले दिन साधु महाराज के कथन के अनुसार वह थाली और थाली द्वारा दी गई सारी चीज़ें शुरू से लेकर अंत तक सभी की सभी गायब हो गई।
इसके बाद किसान की पत्नी फिर से अपने टूटे हुए झोंपड़े में आ गई। यह देखकर वो पछताने लगी। इतने में किसान भी आ गया और यह सब देखकर उसे समझने में जरा भी देर नहीं लगी और अपनी पत्नी को खूब बोला और कहा, और करो लालच। लेकिन अब सिर्फ पछताने के सिवा और कुछ नहीं बचा, क्योंकि जैसा कहा गया है, लालच बुरी बला होती है। कहानी से सीख, इंसान को जल्दी समझ नहीं आता, उसे तभी समझ में आता है जब सब कुछ ख़त्म हो चुका होता है और सिर्फ पछतावा ही शेष बचता है।